हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन योर लाइफ। एंड अभी ये डे टू है एंड हम लोग तिरुमला जा रहे हैं। सुबह गए थे वहाँ पे, वहाँ से हम लोग ने लाइन लगा के रूम ले ली। जैसे यहाँ पे रिकमेंडेशन के थ्रू हमको रूम मिला। वहाँ पे भी मतलब सुबह 5 o'clock जाना पड़ा, तो हमें लगभग जाके वहाँ पे 3 to 4 hours हम लोग ने वहाँ पे स्पेंड किया। वहाँ पे अगर आपके पास कोई रेफरेंस लेटर है उसके अंदर जैसे उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है ना, वही देना चाहिए, जो हमारे पास नहीं था, जिसके वजह से हमारा थोड़ा डिले हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पे मिल गया है। तो फर्स्ट जैसे तिरुमला पे एंटर करेंगे, एंटर करने के टाइम पे हमको एक पहला टोल मिलेगा। वहाँ पे चेकिंग होगी, जहाँ आपको आपके जितने भी बैग्स हैं आपको निकाल देने हैं, और जो भी पैसेंजर्स हैं साथ में उनको भी मतलब सीट से उतरना है, सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे, एंड देन आपको ऊपर अलाउ करेंगे जाने के लिए। और यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। अराउंड 20 to 25 minutes में आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, कहीं पे आपको रुकना नहीं है घाट पे। एंड अगर डिले हुआ तो 1000, अगर फास्ट हुआ, अगर ज़्यादा मतलब डिले हुआ तब भी चालान गिरेगा, अगर जल्दी चले गए तब भी चालान गिरेगा। तो चालान का जो अमाउंट है 1000 to 1500 के बीच में रहेगा। तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि लेट जाने पे गिरेगा कि नहीं। लेट जाने पे भी चालान यहाँ पे गिरता है, बिकॉज कई लोग होते हैं जो बीच में रोक के फोटोग्राफी वगैरह ये सब करते हैं। अगर इनकेस जब पेट्रोलिंग वाले जब पकड़ लेते हैं उनको, तो चालान यहाँ पे वो लोग को पे करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का ये जो घाट है ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे नीचे का जो प्लेस है उसको एलपीरी बोलते हैं। मुझे भी मतलब चल के जाना था, बट रूम के लिए हम लोग को मतलब काफ़ी लेट हो गया। अगर ये टाइम पे चल के जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एंड जो दर्शन का जो स्लॉट है वो 7 बजे का है। तो अलपिरी से यहाँ से ऊपर हमको जैसे अभी 27 किलोमीटर दिखा रहा है कार में, अगर चल के जाते हैं तो कुछ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स के बीच में होता है। ये जो ट्रैक है यहाँ से लंबा, पूरे स्टेप्स हैं, अराउंड 3700 कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमको चल के जाना पड़ता है। बीच में हम लोग को वो भी स्पॉट मिलेंगे जहाँ पे जो भक्त हैं वो जो चल के जाते हैं वो भी हमको देखने मिलेगा यहाँ पे। एंड देखो कैसा लाइन पूरे बसों को ओवरटेक कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कोशिश हो रही है ओवरटेक करने की, बट बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ इस तरह का व्यू है वहाँ पे। मुझे गोप्रो से तो उतना नहीं दिख पाएगा, जूम ही नहीं हो पाएगा, नहीं तो दिखता था कि कितने छोटे छोटे बिल्डिंग्स अभी अभी दिख रहे हैं। एंड ऊपर अभी और ऊपर जाएंगे हम। सो हम लोग का अभी लंच कंप्लीट हो गया एंड हम भी एकदम मतलब यहाँ के जैसे फॉर्म है, जैसे यहाँ पर बाल चढ़ाए जाते हैं तो हम लोग ने बाल यहाँ पे चढ़ा दिए। एंड नींबू भी, बाल नींबू का भी मुंडन हो गया है। नींबू हमारे निवेश सब सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सामने आ गए। एंड चलो ये इसे खेलते हैं। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग 5:30 बजे
दर्शन के लिए चले जाएंगे एंड उसके बाद पीछे मतलब GoPro में ही शूट हो रहा है तो पीछे का नज़ारा उतना क्लीन कट मतलब दिखाई देगा या नहीं देगा वो भी उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर साथ में अगर बेबी रहता है तो थोड़ा बहुत परेशानी होती है बिकॉज उसको देखने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। जैसे अभी देखो कि क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देख समझ के चलनी पड़ती हैं। तो हम लोग ने क्या किया, मतलब ये यहाँ पे हम लोग हैं, ये हम लोग को मिला कस्तुभम रेस्ट हाउस। मतलब ये भी बहुत, जैसे मैंने बताया कि नो रेफरेंस की वजह से ये मिला, वरना ये भी मिलना मुश्किल हो जाता था। तो अभी जाएंगे फिर वापस, जैसे भाई लोग शायद रेस्ट करेंगे और हम थोड़ा मतलब नीचे तक टहल के आ जाएंगे, देखेंगे आसपास में कुछ रहता है तो वीडियो थोड़ा सा बना देंगे, उसके बाद फिर अपना दर्शन के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज कितनी देर में हमारा दर्शन होगा। एंड टकला सही लग रहा है, गोविंदा गोविंदा। तो भाई लोग तो गए रूम पे, हम लोग निकले हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। एंड हम लोग यानी मैं अकेला निकला हूँ वॉक करने के लिए और शाम में 2 घंटे में शायद दर्शन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, देखते हैं। एंड यहाँ की वादियाँ, यहाँ की जगह एकदम A1 है और कुछ ऐसा है व्यू अपना यहाँ पे। वाव, ये मतलब ये जिसके भी ये घर होंगे यहाँ पे नीचे, भाई क्या नज़ारे होंगे लोग के साथ, भगवान के इतने करीब हैं। सो आज अभी ये Day 2 है, अभी मतलब कल जो दर्शन हुआ जिस हिसाब से दर्शन तो अच्छा खासा हो गया था, काफ़ी सारा हाइप था टीवी पे बिकॉज इतना क्राउड है, ऐसा नहीं कि क्राउड नहीं है, क्राउड बिल्कुल है। एंड जो मतलब जो सर्वदर्शनम के लिए आए थे, जो फ्री दर्शनम के लिए आए थे, वो लोग को 24 आवर्स लग रहा है और वो लोग की लाइन जो है ना वो बहुत बड़ी है लाइन वहाँ पर। तो वो लोग को देख के मतलब दिल में लग रहा था, अफसोस भी हो रहा था, साथ साथ ये भी लग रहा था कि थोड़ा टाइम लेके आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आ जाएं जैसे होगा वैसे हो जाएगा। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है लाइन में। देन काफ़ी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब उनको कुछ यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वो लोग को मतलब अच्छे से फूड दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है एंड बच्चों के लिए दूध दिया जा रहा है। तो जो भी मतलब तिरुमला के यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप लोग मतलब आ सकते हैं, बेहतर ये रहेगा कि जो 300 वाला जो दर्शन है वो अगर ले लेके आएंगे, अगर पहले से बुक करा के आएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका दर्शन हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। तो हम लोग का जो दर्शन हुआ वो वन एंड हाफ आवर में आराम से हो गया दर्शन, कोई मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बेहतर रहेगा अगर टोकन लेके अगर आप आएंगे एंड पहले से ही 2 महीने पहले ही प्लान करेंगे तो अच्छे से आपका दर्शन हो जाएगा। तो गोविंदा गोविंदा ये नाम पे आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे एंड करते हैं, अभी नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। कल का जो वीडियो है अभी ख़त्म हो रहा है बिकॉज रात में आए थे, खाना खाए एंड सो गए, तो अंदर तो मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है। तो अभी यहाँ पे नीचे जो नीचे जितना भी है वो सब कवर कर लेंगे, घूम लेंगे, उसके बाद ऊपर का कुछ भी रहेगा तो वो देख लेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए, नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि आपके साथ कुछ कोई कुछ अगर एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे तिरुमला में किया है एंड क्या आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए एंड आसपास के जो भी जानवर हैं उनका ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।